हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो दोस्तों, फाइनली 31 को आप में से बहुत सारे लोगों का एसबीआई क्लेरिकल मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना होगा और ये उनकी लाइफ का पहला मेंस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत ही बिंदास हो और आप इस पेपर को पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में कमेंट्स भी देखे हैं, उनको भी आज यहाँ पर चर्चा करूँगा क्योंकि वो आपके माइंड में अगर आ रहे होंगे तो पेपर को हमें और बेहतर बनाने के लिए उन चीज़ों का भी डाउट का सोल्यूशन हमें देखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई और नंबर नहीं हमारे बढ़ पा रहे थे मॉक में, ठीक है, जो भी मेंस के मॉक टेस्ट दिए। अब देखो दोस्तों, दो चीज़ें यहाँ पर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये है कि आप कौन सा मॉक टेस्ट दे रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आपने उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में कितने बार उसको रिवाइज किया या फिर आपने जो गलतियाँ की थी वहाँ से आपने सीखा क्या। अब यहाँ पर क्या है कि मेंस के मॉक टेस्ट में क्या होता है कि लेबल अगर आपने बहुत अच्छा टच किया है, अगर मैं बात करूँ ऑलिव बोर्ड की या फिर प्रैक्टिस मॉक की, तो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बाउंस कर रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि अगर आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो अगर पेपर में थोड़ा बहुत आसपास में क्वेश्चन या फिर अगर हल्का क्वेश्चन आए तो ऑलमोस्ट आप बना ही लोगे, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल आता है तब भी आप वहाँ पर पेपर को अचीव अपने टारगेट को कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि मैं मॉक में 200 में से अगर मैं बात करूँ तो मेरे 100 प्लस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हों उनका लेवल थोड़ा सा आसान रहा हो तो वहाँ पर आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया हो। लेकिन अगर आपने किसी बढ़िया मॉक में अगर 60-70 स्कोर किया हो, 85 स्कोर किया हो, तो आपको इतनी ज़्यादा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये मानकर चलें कि आपने एक अच्छे टारगेट को अचीव किया था पिछले दिनों में और वो जो आपका वर्क है जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन देने जाओगे 31 को तो वो चीज़ वहाँ पर काम करेगी। क्योंकि आजकल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि बिल्कुल IBPS का डिट्टो पेपर, क्योंकि हर बार जो पेपर है दोस्तों उसमें फ्लक्चुएशन होने होते हैं, कभी पेपर थोड़ा सा आसान आता है, कभी पेपर मॉडरेट आता है और कभी पेपर काफ़ी टफ आ जाता है। तो भाई हमें प्रैक्टिस कैसी करनी है, प्रैक्टिस हमें करनी है एक दमदार लेवल की ताकि उसके अंदर सारे सबसेट शामिल हो जाएं। अगर आप अच्छे क्वेश्चन बना रहे हो, लंबे DI सॉल्व कर रहे हो या फिर आप पज़ल बढ़िया बना रहे हो, तो उसमें कई सारे ऐसे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो आपके सबसेट होंगे जो आपने अभी तक की तैयारी की है। तो आप इस चीज़ को साइड में रख दो कि आपने मॉक टेस्ट में कितने नंबर लेकर आए हो, वॉट एवर जो भी मार्क्स आए हों वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मॉक को एनालिसिस करने के बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी, दैट मीन्स कि आपको जो चीज़ आती थी उसमें उस बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है, आपका अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन का तरीका क्या बढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप छोड़ रहे थे पिछले दिनों में लेकिन आपने जब अच्छे मॉक बनाए तो वहाँ पर क्या आपने उन क्वेश्चंस को भी अचीव किया है जो आप छोड़कर अभी तक आ रहे थे। तो मोटा मोटी सीधी यही बात है दोस्तों कि आपने पिछले दिनों जो भी कोई प्रैक्टिस की होगी अगर उससे आपने कोई चीज़ लर्न की होगी, रिवाइज, लर्न, ठीक है, प्रैक्टिस, ये 3-4 चीज़ें आपने अगर अपने टारगेट में लेकर रखी होंगी तो आप जब 31 को एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि हमने एक छोटा मॉक बनाया या फिर वहाँ पर हमने इजी क्वेश्चन बना लिए तो हम बहुत एश्योर हो जाएं कि भाई इस पेपर को तो हम हर हालत में क्वालिफाई करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चिंता जो बहुत लोगों के मन में थी कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर भी यही हाल होगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। SBI क्लेरिकल मेंस का एग्ज़ाम है और यहाँ पर आपकी 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहनी चाहिए। एक तो आपका करंट अफेयर्स का टारगेट, अगर आप करंट अफेयर्स के पेपर को 2 बार लाइन रीड करना, गलती मत करना। कई बार क्या होता है कि लोग फटाफट पढ़ते हैं और उसमें से कोई एक आध पॉइंट छोड़ देते हैं तब उनका आंसर कुछ और मार देते हैं, ठीक है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, लेकिन बहुत ढंग से पढ़ना, ऐसा ना हो कि फटाफट पढ़ा फिर दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो, उसमें आपका टाइम लगेगा, नहीं समझ में आ रहा तब तो 2 बार पढ़ना है। लेकिन आप टारगेट ये बनाओ कि मुझे एक क्वेश्चन को एक बार ट्रेस करना है अच्छी तरीके से, एक बार वो मुझे समझ में आ जाएगा तभी मैं उसका ऑप्शन चेक करके हम उस टारगेट को, उस क्वेश्चन को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पेपर में कभी भी हाइपर नहीं हो जाना कि मतलब इस क्वेश्चन को मुझे हर हालत में बनाना है। देखो पेपर में टाइम इतना मिल रहा है कि इजी चूज वन और जो थोड़ा सा टफ है इसको आप बाहर निकालो। तो पेपर एक, आप अगर पूरे कंसोलिडेटेड पेपर की आप बात करोगे तो उसमें एक एम्पल अमाउंट में इतने क्वेश्चंस दोस्तों आपको मिल जाएंगे कि आप वहाँ पर अच्छी तरीके से सर्च कर पाएंगे और क्वेश्चंस को सोच समझ कर आप बना पाएंगे। ऐसा नहीं है प्रीलिम्स में क्या होता है बहुत ज़्यादा आपाधापी होती है, दैट मीन्स कि बहुत फटाफट 20 मिनट में आपको सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ मेंस में आपको एक क्वेश्चन का लेवल भी होगा, एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी आपको दिया गया है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करके एप्लीकेशन के साथ आप उस क्वेश्चन को बनाएं। तो बिल्कुल चिंता, डर, ये सारी चीज़ें साइड में रखो और बिंदास पेपर देने जाओ। और मैं आप सभी
सभी को यही कहना चाहूँगा कि पेपर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पेपर देने के बाद अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अपने इस वीडियो के एंड में आपको नीचे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोग पेपर देकर आएंगे, अपने क्वेश्चंस, अपना डिफ़िकल्टी लेवल, अपने एनालिसिस को शेयर करेंगे, ताकि हम एक अच्छा गुड वे एनालिसिस कर पाएँ और बहुत सारे लोगों के साथ में। ओके, तो चलिए दोस्तों, फिर ये छोटी सी बात थी जिसको हमें एक बार समझना है, और आप बिंदास पेपर देने जाइए, और फिर हम आगे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आगे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ऑलमोस्ट सारे मेंस होंगे, बहुत लोग प्री देकर आ चुके हैं, लेकिन अभी ये सप्लीमेंट्री के कारण काफ़ी सारा रिदम थोड़ा सा सेट जो था हमारा वो बेकार हो चुका है। चलिए फिर से एक बार बाउंस बैक करेंगे और अच्छी तरीके से आगे की प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई एस्पायरेंट भाई को आ रहा होगा तो वो उस सवाल का जवाब आपको ज़रूर दे देगा। और हाँ, अपना स्टाम्प पैड जो भी है आपके पास में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिंगर अपने थंब वहाँ पर देने होंगे, तो इसलिए ब्लू इंक या फिर वॉयलेट जो भी आपके पास इंक है आप उसको लेकर जाएं, ठीक है। जो भी नीरेस्ट में आपके एडमिट कार्ड में वो चीज़ मेंशन है उस चीज़ को आप लेकर जाना। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।